हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स से कवर करेंगे। खेल संगठनों के प्रमुख, अगस्त 2022 तक का न्यू अपडेट है। बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर बदल चुके हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में हमने सिलेक्टेड 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर किए हैं। सारे सिलेक्टेड हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लास्ट में क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है, जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। रिविजन करने के लिए इसका फ्री PDF अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला, ग्रेग बार्कले। न्यूजीलैंड कंट्री से हैं, वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला, जेफ एलार्डिस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO कौन है? जेफ एलार्डिस है और अध्यक्ष भी कौन है? ग्रेग बार्कले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में पहले आ चुका है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, जय शाह। जय शाह वर्तमान समय में एशिया क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला, इंदिरा नोई। इंदिरा नोई ICC की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? क्या नाम है इनका? सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वाला, हेमांग अमीन। हेमांग अमीन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के CEO हैं और उसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एग्जाम में आ चुका है, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से। ऑप्शन ए वाला, राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला, रमेश पोवार। रमेश पोवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है और भारतीय क्रिकेट टीम मेल की अगर हम बात करें तो उसके मुख्य कोच कौन है? राहुल द्रविड़ है और महिला में कौन है? रमेश पोवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, नीलम कपूर। नीलम कपूर भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी वाला, ब्रजभूषण शरण सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह वर्तमान में भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए वाला, अनिल जैन। अनिल जैन अखिल भारतीय टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी वाला, प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल वर्तमान समय में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, अच्युत सामंत। अच्युत सामंत वर्तमान समय में वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला, संजय कपूर। संजय कपूर वर्तमान समय में अखिल भारतीय शतरंज संघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें से। चार ऑप्शन है आपके पास। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला, ज्ञानेंद्र निगोमबाम हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय एथलेटिक फेडरेशन AFI के अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए वाला, आदिल सुमरीवाला। आदिल सुमरीवाला वर्तमान समय में भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष कौन है?
करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए वाला, अजय सिंह। नाम याद रखिएगा, अजय सिंह भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान कौन है? इसके कप्तान है सविता पूनिया। नाम याद रखिएगा, सविता पूनिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी वाला, थॉमस बाक, जर्मनी से हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष कौन है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला, सेबेस्टियन को, ब्रिटेन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष हैं सेबेस्टियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं हेमंत बिश्वा शर्मा। नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा के अध्यक्ष कौन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, सही आंसर क्या होगा इसमें से बताइए। ऑप्शन डी वाला करेक्ट है, जियानी इन्फेंटिनो फीफा के अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए वाला, मोहम्मद जलूद। मोहम्मद जलूद IWF अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, शेफ अहमद। शेफ अहमद मिश्र कंट्री से हैं, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए वाला, जैना वॉल्ड्रेस, इंग्लैंड कंट्री से हैं, विश्व स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ओलंपिक संघ IOA के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, अनिल खन्ना। अनिल खन्ना भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए वाला, लवलीना बोरगोहेन। नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अध्यक्ष बनी है, नई बनी है, इनका नाम है लवलीना बोरगोहेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी वाला, दीपा मलिक। दीपा मलिक भारतीय पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष हैं। लास्ट में एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब की गई? कमेंट करके बताइएगा, चार ऑप्शन है आपके पास। आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना।